संबंध, आतंकवाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, पाकिस्तान 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 आतंकवाद 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 पाकिस्तान 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 आतंकवाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की है। देखिए इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर वार्षिक होली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जारी है और इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान की कठपुतलियां लगातार अपने नापाक और कायराना हरकतों को जो है अंजाम दे रही है। पिछले 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो बार जो है उल्लंघन किया गया है सीज फायर का। लगातार अगर पिछले 18 महीनों की बात करें तो मात्र जम्मू संभाग के अंदर 3 दर्जन के लगभग जो है आतंकवादी हमले किए गए हैं। 2021 से अभी तक जो है हमारे लगभग 50 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर 10 मासूमों की जो है आतंकवादियों ने जान ली है। 6 से ज्यादा हमारे भारतीय जवानों को जो है वो शहादत देनी पड़ी है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र की NDA सरकार से कि पाकिस्तान के साथ तमाम संबंधों पर, चाहे वो खेल संबंध हो, व्यापार के संबंध हो, कूटनैतिक राजनैतिक संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। हमारी भारत की क्रिकेट टीम लाहौर के अंदर खेलने के लिए नहीं जाएगी। केंद्र सरकार को ये बयान के साथ बाहर आना चाहिए। तमाम पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों पर पूर्ण विराम लगना चाहिए और ये स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी अपना बयान जारी करें कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध और समझौते को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंधु जल समझौता भी जो है वो रद्द किया जाना चाहिए। Awesome.